नसीबे सबको सलाम सलाम पाकिस्तान में हूँ मेजबान साजो गौरी। आप देखिए प्रोग्राम करवा सच साजो गौरी के साथ। नाजरी मैं इस वक्त आज कराची में आजम बस्ती में मौजूद हूँ। आपको याद होगा पिछले दिन मैंने एक प्रोग्राम किया एजेक सैमसन का, जो कि 29/2/2012 को मिसिंग हुआ। ये लड़का एक कोरियन हॉस्पिटल में जॉब करता था और ये 29/2/2012 को किडनैप हुआ या मिसिंग हुआ, इसका पता अभी तक नहीं चला। पिछले दिनों प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया, जो कि वाइस ऑफ जस्टिस के मेंबर्स भी साथ थे, उन्होंने भी एहतजाज में हिस्सा लिया और उनके जो पेरेंट्स थे, उनके वालद साहब, उसकी अम्मी, उसकी बहन एजक की, वो उन्होंने भी इस एहतजाज में हिस्सा लिया। मेरे साथ आज मैं उसी घर में मौजूद जहाँ पर वो लड़का रहता था और मेरे साथ उनके वालिद साहब मौजूद हैं, यूनुस साहब। मैं उनसे पूछूंगा कि ये जो इतनी देर तक अभी तक ये मिस है बच्चा, इसका नहीं पता ये कहाँ पर है या नहीं, तो क्या अभी तक किसी भी सरकारी बंदे ने, किसी गवर्नमेंट के बंदे ने अभी तक कोई ऐसा रब्ता नहीं किया कि आपके बच्चे का पता लगवाया जा सके कि वो कहाँ पर है? जी यूनुस साहब बताइएगा। आज तक किसी ने भी हमसे रब्ता नहीं किया, ना मजहबी रहनमा ने, ना सियासी रहनमा और ना ही किसी समाजी रहनमा ने, लेकिन हम हर वक्त खुदावंद से दुआ करते रहते हैं कि खुदावंद हमारे बेटे को जल्द अज जल्द घर लेके आए, लेकिन किसी ने भी कभी रब्ता नहीं किया। अच्छा मैं थोड़ी सी स्टोरी पीछे लेके जाऊंगा कि जब दो बंदे अगवा हुए थे तो दोनों में सुना कि एक बंदा 40 दिन के बाद आ गया था, उसने क्या स्टोरी बताई कि किस तरह वो वापस आया और किस तरह आपके बेटे का उसने कोई सुराग दिया कि नहीं दिया? मेरा बेटा 29 फरवरी 2012 को जब घर से गया ड्यूटी के लिए, क्योंकि गाड़ी उनको यहाँ से घर से पिक करती थी और फिर शाम को ड्रॉप करती थी, और जब वो घर से जा रहा था तो उन दिनों में वो भी रोज़ों के दिन ही थे, 29 फरवरी 2nd वेंसडे था रोज़ों का, तो कहने लगा घर से चले गया, लेकिन 5 मिनट के बाद वापस आके मम्मी अपनी माँ से कह रहे थे, मम्मी मेरी बाइबल और मेरा लंच तो अंदर घर पे रह गया। वापस आया घर से, वो लंच और बाइबल लेके गया और कहने लगा शाम को रोज़ों की इबादत है किसी घर पे, मैं वहाँ पे जाऊँगा, और इतना कह के वो चले गए। और तकरीबन 8:15 बजे वहाँ पे जो ड्राइवर उनको ले गया, उसके मुताबिक 8:15 बजे एक कार ने आके उन्हें ब्लॉक किया उनकी गाड़ी को और उनसे आके पूछा कि कोरियन डॉक्टर कौन है। हमने कहा कोई कोरियन नहीं, सब पाकिस्तानी। उन्होंने गाड़ी अंदर से भी चेक की और फिर हमें एक साइड पे खड़ा करके कर दिया और फिर दो को गाड़ी में बिठाया, सबसे पहले एजी को गाड़ी में बिठाया अपनी कार में, फिर इंद्रियास को जो वहाँ पर मैनेजर था, और उसके बाद एक और को बिठाया, लेकिन जगह कम होने की वजह से, क्योंकि वो खुद भी 4 थे, ये सब कुछ हमें ड्राइवर ने बताया था, लेकिन वो उन दोनों को लेके चले गए। और उसके बाद इन्होंने जाके हॉस्पिटल में इंफॉर्म किया, फिर उन्होंने कहा हॉस्पिटल ने कहा कि थाने में जाके रिपोर्ट करें, और इसी तरह से वो पता नहीं चला कि वो कब कहाँ लेके गए मेरे बेटे को। लेकिन जो दूसरा लड़का था जो मैनेजर था इंद्रियास जावेद, वो 37 दिन के बाद वापस घर आ गया था, उस दिन गुड फ्राइडे था जिससे वो वापस आया था, ईस्टर आके उसने अपने घर पे अपने बीवी बच्चों के साथ सेलिब्रेशन किया। लेकिन हमारे बेटे का आज तक ना कोई फ़ोन कॉल आई है, ना किसी ने तावान के लिए कोई रब्ता किया है, ना किसी ने, वैसे ही किसी ने भी नहीं आज तक हमें बताया। CPLC वाले तकरीबन 2 साल तक हमें यही कहते हैं कि इस महीने आपको रिपोर्ट अच्छी खबर मिल जाएगी, इस हफ्ते मिल जाएगी, इस महीने मिल जाएगी। 2-2.5 साल तक वो हमारे साथ बस यूँ ही बुलाते रहे, हम लोग जाते रहे, और उन्होंने कोई हमें इत्तला नहीं दी, ना ही कोई ऐसा हुआ कोई खबर दी उन्होंने। इसी दौरान हमने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वजीर आजम, वजीर दाखला और प्रेसिडेंट सबको हमने एप्लीकेशन भेज के, बार बार रिमाइंडर भेज के उनको याद दिलाते रहे, लेकिन किसी ने कभी रब्ता नहीं किया, ना ही कुछ हुआ। फिर हमने हमारा केस 2012 में
जून या जून के महीने में तकरीबन पटिशन दाखिल की वहाँ पे हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट में, तो वो भी सारम बर्दी ट्रस्ट की रेफरेंस से, तो वो तकरीबन 4 साल तक केस चलता रहा, 2012 से 2016 तक केस चलता रहा, लेकिन उसमें कुछ भी रिजल्ट ना निकला और तकरीबन 15-16 आईओ चेंज हुए, उसके अलावा लीगल एआईजी उन्होंने बहुत कोशिश की, हमें बहुत हिम्मत दी, तो लेकिन वो भी कुछ भी नहीं कर सके। फिर हमने 2014 में सिंध पुलिस से क्राइम ब्रांच में केस को ट्रांसफ़र किया। इसी दौरान वो लड़का जो था वो पहले थाईलैंड गया था, वहाँ पे उसको आलम के लिए कुछ नज़र नहीं आया, फिर श्रीलंका गया और वहाँ से 2014 में उसके बाद वो पता नहीं कहाँ, यानी कि जो जब वो वहाँ से वापस आया तो फौरी तौर पर उसने आलम अप्लाई किया और भाई चला गया वो। जी जी अप्लाई किया, पहले थाईलैंड गया था, ठीक है, 2013 में, लेकिन वहाँ से उसको वापस आ गया, फिर 2014 में वो श्रीलंका चले गया और श्रीलंका से वो फिर कहाँ गया ये नहीं पता, लेकिन जो वापस आया था उसी दिन उससे तफसीली मुलाकात हुई थी, उसने जो कुछ बताया और नेक्स्ट डे वो कहने लगा ये तो मैंने कहा ही नहीं, उसने मुझे ये बताया कि मैं और आपका बेटा जो थे एक ही साथ रहते थे, इकट्ठे ही हम लोग एक ही कमरे में रखा हुआ था, और लास्ट डे उन्होंने कहा था कि मैं आपको कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, उन्होंने हमें एक कार में बैठाया और कार से उतार के फिर ट्रक में बैठा दिया और ट्रक से वो हमें लेके जा रहे थे कहीं कराची से बाहर, तो लेकिन उसने जंप लगा दी, लेकिन जब वो नादन भाई पास पहुंचे शराब गोट के करीब, तो उसने कहा मैंने ट्रपाल को उठा कर बाहर झांका तो मुझे ये पता चला कि नादन भाई पास का इलाका है, जबकि 37 दिन के बाद एक कैसे कमरे में जहाँ बिल्कुल अंधेरा होता था उसके बाद वो निकला तो उसको फौरन नादन भाई पास का इलाका याद आ गया जो कि वो झूठ बोल रहा था। फिर वो उसने कहा कि मैं जैसे ही वो टूल प्लाजा पे ट्रक थोड़ा स्लो हुआ तो मैंने चलते ट्रक से जंप लगा दी और आपके बेटे से भी कहा कि जंप लगा दो, लेकिन उसने नहीं लगाई, और ये भी जब उनसे टूल प्लाजा से पता किया सिक्योरिटी से तो कह लगे ये लड़का झूठ बोल रहा है, जंप तो बहुत दूर की बात है, अगर यहाँ से कोई शॉपर भी नीचे फेंकेगा ना हम उसे गाड़ी को रोकेंगे ताकि पीछे वाली गाड़ी को कोई नुकसान ना पहुँचे जब तक वो शॉपर चेक ना कर लें, लेकिन ये तो कहते हैं मैंने जंप लगाई, इनको कंप्लेन भी की और उन्होंने कोई हमारी मदद नहीं की और लड़का ट्रक लेके चले गया, वो कह रहे ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। फिर उसने कहा कि मैं रेंजर के पास गया, रेंजर ने रिटर्न में लिख के दिया कि ऐसा कोई हाई कोर्ट को दिया लिख के ये हमारे पास ऐसा केस आया ही नहीं। फिर उसने कहा कि मैं वहाँ सामने थाना था गिडाप थाना वहाँ पे गया हूँ, वहाँ से भी मैंने उनको कहा, लेकिन एक ASI था वो मुझे अपनी गाड़ी में बैठा के काठोर तक लेके गया, लेकिन हमें ट्रक नहीं मिला। वापस आके इसने बताया थाने में कि जो किडनैपर थे उन्होंने कहा था कि हमारी 20 लाख में बात होगी, फिर 10 लाख में कहते होगी, 6 लाख में होगी, यानी कि आप कह रहे हैं कि वो झूठ ही बोलता रहा, झूठ ही बोलता रहा। ये तो पहले दिन की जिस दिन वो स्टेट, अच्छा इस केस में एम्बेसी इन्वॉल्व नहीं हुई, कोरियन एम्बेसी जिनका हॉस्पिटल था वो? नहीं, कोरियन एम्बेसी इन्वॉल्व होती थी उस वक्त जब कोरियन डॉक्टर उनको इन्फॉर्म करते थे, ठीक है, मिसाल के तौर पर FI जब उन्होंने दर्ज करनी थी पहले दिन, एक ड्राइवर के मुताबिक 8:15 बजे ये वाकया हुआ, 9:10 पे FIR लॉन्च भी हो गई थी और IO के हवाले भी कर दी गई थी कि ये ले और इन्वेस्टिगेशन करें। ये जिस तरीके से देखा जाए कि FIR स्पीड से हुई है, देखा जाए तो उस वक्त वो बंदा किडनैपर जो था वो वैसे कराची शहर से बाहर नहीं जा सकता था, नहीं जा सकता था कुछ, लेकिन पुलिस बस थोड़ी सी कमजोरी दिखाई और कुछ उन्होंने पता नहीं किया। अब क्या उन्होंने एम्बेसी वालों ने उनसे कहा होगा कि किस तरह से आपने करना है ये एम्बेसी वाले ही सही बता सकते हैं, या डॉक्टर जो वहाँ पे थे इंचार्ज डॉक्टर लिम है, एक मैडम होती थी तारा, ये दो ऑन ड्यूटी थे दोनों कोरियन, और ये और एक इंद्रियास जावेद, इन तीनों के अलावा इस कहानी की जो हकीकत है वो कोई नहीं जानता, वो तीनों ही जानते हैं और वो लोग कभी कुछ बताते नहीं है, बल्कि वो उल्टा हमसे पूछते थे कि कोई खबर मिली तो हम कहते थे। बेटे के मिसिंग के बाद आपकी जो मिसिज हैं उनकी क्या कंडीशन अभी तक, किस तरह वो देख रही हैं अपने बेटे को?
वो तो रोजाना ही देखती हैं, जब भी दरवाजा लॉक होता है समझती शायद मेरा बेटा आ गया। सर्दी में रात को उठ के बैठ जाती हैं कि पता नहीं उसके पास कोई गर्म कपड़ा है या नहीं, वो फिर बैठी रहती हैं, उनको नींद नहीं आती, फिर हम लोग उठ के दुआ करते हैं, फिर कहीं वो सो जाती है। दुआ करने के बाद फिर उसको हौसला तसल्ली होती है खुदा से कि मेरा बेटा सलामत है। और उसके बाद वो काफ़ी बीमार हो गई, पहले उनको तकरीबन 3 ऑपरेशन हुए, रसोली का हो गया, फिर उसको एक पित्ते का, अभी काफी ज्यादा तबीयत खराब, बहुत ज्यादा खराब हुई, उसी दौरान उसको कैंसर भी हो गया। उसके बाद 6 क्या कहते हैं वो ट्रीटमेंट होती कैंसर, जी वो इम्बो कहते हैं, वो 6 वो हुआ, लेकिन वो इसी दौरान बहुत बीमार रही हैं। यानी कि बेटे के जो जुदाई ने उनको जो बीमारियों में जकड़ी गई और अभी तक परेशान है, अभी तक बहुत परेशान है, और वो बस खुदावंद से दुआ करते हैं, खुदावंद में तसल्ली देता है, हिम्मत देता है, तो फिर वो हम अपना दिन गुजारते हैं, सुबह भी शाम और हर वक्त दुआ करते रहते हैं कि अभी बेटा आ जाएगा, अभी बेटा आ जाएगा, खुदावंद से जरूर लेके आएगा। आप हमारी जो चैनल के हवाले से गवर्नमेंट को पैगाम देना चाह रहे हैं? गवर्नमेंट से ये पैगाम है कि जितना मुमकिन हो सके हमारे बेटे की बाजियाबी को जरूर कामयाब किया जाए, उसे घर लाया जाए। हमारा केस 4-6 साल तक हाई कोर्ट सिंध में चलता रहा, फिर उन्होंने सेशन कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया, उन्होंने फिर वो जो ड्राइवर वगैरह थे उनकी जमानतें हॉस्पिटल ने करवा ली, उसके अलावा 1-1.5 साल तक जो मिसिंग पर्सन कमीशन था उसमें चलता रहा, लेकिन रिजल्ट आज भी 0 का 0 ही है। ना किसी बिशप साहब ने कुछ हमारी हेल्प की है, ना किसी मजहबी रहनमा ने, ना किसी सियासी रहनमा ने, जबकि इसी दौरान 2-3 दफा इलेक्शन भी हो चुकी है, जनरल इलेक्शन। नाज़रीन आप तस्वीर देख सकते हैं कि आइज़क सैमसन की मेरे पास तस्वीर है, और मैं जो इस वक्त उसके वालिद साहब से जो गुफ्तगू हुई है उससे तो यही लगता है कि अभी तक 0 है। पिछले दिन जो एहतजाज किया गया प्रेस क्लब के बाहर, वॉइस फॉर जस्टिस की जो तंजीम है वो भी साथ थी, अलियाज भाई जो तर्जमान हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे कि जो पिछले चंद सालों में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐलान किया था कि सिंध के अंदर जो मिसिंग लोग हैं, क्या उस ऑर्डर से भी कुछ नहीं फर्क पड़ा कि सिंध में कोई हलचल मची हो, इनके बेटे का भी नाम आ गया हो उसमें? जी लियाज भाई बताइएगा। जी मजीद में सबकी सलामती हो। असल में सज भाई मसला ये है कि ऑफिशियली जितनी ये कंसर्न डिपार्टमेंट्स में जा सकते थे इन्होंने वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी की है, लेकिन कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में 300 लोगों का जो लिस्ट को ऑर्डर जारी किया था उसको चैलेंज नहीं किया गया, या उसकी तनाजुर में जो है केस को रन नहीं किया गया, ये थोड़ी सी कमी रह गई है। हम ये चाहते हैं कि मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो इस पर जो है वो सुमोटो एक्शन लें, क्योंकि ये एक मतवसत घराना है, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो है वो लीगल एड वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकते, और दूसरी बात है ये काफ़ी सालों से मतलब मामला चल रहा है और इनकी अभी तक किसी भी जगह सुनवाई नहीं हुई है, तो कम अज़ कम ये तो पता चलना चाहिए कि वो कौन लोग थे और उनके अजाइम क्या थे और क्या मामलात हैं। और सबसे बड़ी इस केस में जो मैं समझता हूँ कि लैक है कि वो जो दूसरा शख्स जब छूट के आया तो उसके ऊपर अगर पुलिस और अदारे काम करते तो बहुत से शवाहिद और सराग मिल सकता था, जो कि प्रॉपर वे में काम नहीं किया गया, और वो शख्स भी इस वक्त मुल्क से बाहर जा चुका है जो छूट कर आया 40 दिन के बाद, तो ये इसमें बहुत बड़ा लैक है। जबकि आज़िक के वालिद साहब ने उस शख्स के बारे में ये भी पता चलाया, खुद इनकी बड़ी भाग दौड़ रही तो वो श्रीलंका गया है, उसका सेल नंबर, उसका पासपोर्ट नंबर सब इन्होंने अदारों को मुहैया किए, लेकिन अदारों ने कोई इनको सुनवाई नहीं हुई, कोई जवाब नहीं मिला। तो अभी हमारे पास जो हमारी नज़र में एक आखिरी रास्ता है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस जो है इस पर सुमोटो एक्शन लें। जी नाज़रीन, जिस तरह जो है आज़िक के वालिद साहब और अलियाज भाई दोनों ने ये बातें जाहिर की कि जब वो बंदा जो दूसरा साथ किडनैप हुआ था 39 दिन के बाद वापस आ गया, ना कि पुलिस ने उनकी इंक्वायरी की और ना ही किसी और अदारों ने, और वो बंदा इसी दिनों के दौरान उसने बाहर कंट्री में भी चला गया, फिर वहाँ से थाईलैंड से वापस आया, फिर श्रीलंका चला गया, और जो जाने से पहले झूठ की जो स्टोरी सुनाई उसने
कि मैं ऐसे गया, इधर गया, इधर गया। पुलिस ने काफी बार बार उसे पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने सच नहीं बताया और खुद तो निकल कर वो पाकिस्तान से बाहर चला गया, लेकिन इनका बेटा वापस नहीं आया। मेरा ख्याल है कि अगर ऐसे अदारे जो हैं पाकिस्तान के अंदर जो मिसिंग पर्सन लोगों की तलाश में हैं, तो ये जो एज़र के वाले साहब हैं, ये इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और आईजी सिंध और ये सारे ऐसे अदारे जो कानूनी जो है काम कर रहे हैं, वो इसके ऊपर एक्शन लें, क्योंकि एक माँ का, एक बाप का बेटा अभी तक नहीं मिला। अगर वो मिल जाए, कहते हैं कि बच्चे जब जवान होते हैं तो बुज़ुर्ग फिर से जवान हो जाते हैं, लेकिन जब बुज़ुर्गों के बच्चे ही चले जाएं, तो वो बुज़ुर्ग बुज़ुर्ग नहीं रहते, वो जीते जी वो मरने की शक्ल इख्तियार कर जाते। इनको भी जीने की राह चाहिए। मैं चाहूँगा नेशनल न्यूज़ के प्लेटफार्म पर ये पैगाम हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे सकूँ, खुदा रहा इनके बेटे को ढूंढे और इन तक पहुँचाएँ। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।